वह दिन में शहर की सड़कों पर काटता है चालान और रात में गरीबों का मसीहा बन जाता है और फिर बांटता है कंबल। मैदानी इलाकों में सर्दी कहर बनकर गरीबों पर टूट पड़ी है और गोरखपुर में भी ठंड अपने पूरे शबाब पर है और इस ठंड का सीधा मुकाबला रिक्शे वाले, फेरी वाले और खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर रहने वालों से है। गोरखपुर में पिछले कुछ दिनों से एक व्यक्ति रात के अंधेरे में शहर की सुनसान सड़कों पर निकलकर ऐसे लोगों तक कंबल और खाना पहुंचा रहा है जो रात के समय फुटपाथ के किनारे रात काट रहे हैं या सड़क के किनारे रिक्शा खड़ा करके उस पर बैठे ठंड से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। पास ही खड़ी उनकी सरकारी गाड़ी से मालूम हुआ कि ये जिले के SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा है जो दिन में शहर की सड़कों पर यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर सख्ती से चालान करते नजर आते हैं और रात के समय वो सड़कों पर गुजारा करने वालों का मसीहा बन जाते हैं और उन्हें कंबल और खाना बांटते हैं। हालांकि जब हमने उनसे इस बारे में कुछ जानना चाहा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए टीवी पर ना दिखाने की बात कही, लेकिन हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है ऐसे अधिकारियों के कारनामे जनता तक, खासकर उन अधिकारियों तक जरूर पहुंचे जिनके लिए आंख और कान गरीबों को समस्याओं को लेकर बेहद बंद है। बहरहाल SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा की पिछले कई दिनों से चल रही इस मुहिम से CM के शहर में उन लोगों को कुछ राहत जरूर मिल रही है जो सड़क के किनारे अपनी जिंदगी काट रहे हैं और अपने रोजगार के चलते दिन में होने वाले कंबल वितरण से लाभ नहीं ले पाते।